दोस्तों कैसे हो? आशा करते बढ़िया होंगे। हम सब तो आज का कॉन्सेप्ट है ना गाइस, काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज का कॉन्सेप्ट है शिवरात्रि के ऊपर। ठीक है गाइस, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, आज का फोटो जो आप भी अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है गाइस, फुल HD में। ठीक है गाइस, आप भी अपने फोटो को जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है गाइस, तभी आप लोग जो है आज का एडिटिंग को पूरा समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है गाइस, तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी आ रहा है, पसंद आए हो आ गए है ना, तो उसको लाइक कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए ओके। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा पिक्चर में। ठीक है गाइस, तो इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना गाइस, फुल HD में बैकग्राउंड है, जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड जो भी सारा मैं PNG यूज करूँगा वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो सबसे पहले मेन काम है हमारा जो है ऐड पर से है मॉडल को PNG को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना गाइस, तो मैंने पहले से मॉडल का जो है कटआउट करके रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है ना गाइस, तो अगर आप लोगों को जो है कटआउट करना नहीं आता है पूरा HD क्वालिटी पिक्चर से, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड देख लेना। ठीक है ना गाइस, तो मॉडल को कुछ इस तरह से फिक्स करने के बाद ये जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ओके उसके बाद कर देना डन। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है मॉडल का हेयर PNG को ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है ना गाइस, मॉडल का जो हेयर PNG को डाउनलोड कर लेता हूँ। हेयर को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना। ठीक है ना गाइस, ताकि फेक ना लगे। ठीक है गाइस, ओरिजिनल लगे। ठीक है गाइस, ऊपर से कर देता हूँ डन। उसके बाद जो है टैक्स PNG को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना गाइस, ये वाला ऊपर से ब्लेंड को कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है ना गाइस, मल्टी कर देता हूँ तभी जो वो ब्लैक है वो जो हट जाएगा। इसको कुछ इस प्रकार से इधर सेट कर लेना है। ठीक है ना गाइस, ऊपर से कर लेना है डन। उसके बाद जो है और एक PNG है ए वाला। ठीक है ना गाइस, इसका जो है इसको जो है हम लोगों को कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा इधर एडजस्ट में जाके ह्यू को जो है डिक्रीज की तरफ कुछ 29 या 30 रखना, 30 रख देना। ठीक है ना गाइस, उसको कुछ ऊपर से कर देना डन और उसको कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना। ठीक है ना गाइस, कुछ इस प्रकार से ओके ऊपर से कर लेना डन। उसके बाद जो है तिलक का PNG है उसको भी ऐड कर लेता हूँ वाला। इसको ब्लैक है ना, इसको इरेज करने के लिए आपको जो ब्लेंडर में जाकर स्किन कर देना। ठीक है ना गाइस, जो ब्लैक है वो पूरा हट जाएगा। ठीक है ना गाइस, कुछ इस तरह से फिक्स कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ऊपर से कर लेना डन। तो हमारा जो पिक्सल का काम था वो पूरा तरीके से हो गया। ठीक है ना गाइस, तो फोटो को सेव कर लेता हूँ और सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ सेव इमेज। तो कलर करेक्शन करने के लिए लाइट जाना पड़ेगा हम लोग को लाइट रूम मैप में। ठीक है ना गाइस, तो चले ओके। तो मैंने लाइट रूम मैप में फोटो को ओपन कर लिया हूँ। ठीक है ना गाइस, सबसे पहले आपको जो है इस वाले आइकन पर जाके सबसे पहले जो मिक्स है, मिक्स में जाके रेड वाला कलर है पहला वाला है उसका जो ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, और सेचुरेशन को इंक्रीज। उसके बाद जो है ऑरेंज कलर है उसको सेचुरेशन कम और लुमिनस को इंक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, फेस वाइट करने के लिए तो मुझे तो इतना ही चाहिए फेस। ठीक है ना गाइस, ऊपर से कलर डन। और जो है ऑरेंज कलर का जो है सेचुरेशन पूरा डिक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, और जो ब्लू कलर है इसका जो सेचुरेशन पूरा डिक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, इन सभी का जो है डिक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, सभी का डिक्रीज कर देना सेचुरेशन, सभी का डिक्रीज करना। ठीक है ना गाइस, उसके बाद जो है टेम को माइनस की तरफ करना है। ठीक है ना गाइस, माइनस और टिंट को थोड़ा इंक्रीज कर देना। ठीक है ना गाइस, इंक्रीज कर देता हूँ वाइब्रेशन को इंक्रीज और सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको इस वाला आइकन पे जाइए, फोटो के अंदर क्लियरिटी टेक्चर और थोड़ा सा बिगनेट डालना होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है इस वाला आइकन पे जाके फोटो के अंदर देना है शार्पनिंग, नॉइस रिडक्शन और जो है कलर नॉइस रिडक्शन जो भी है हमारा जो हो गया है। ठीक है ना गाइस, तो फोटो के अंदर और एक जो है मेन काम है उसमें आपको जो है इस वाला आइकन पर जाके बहुत सारा आइकन मिलेगा कलर क्रिएटिव। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग को चूज करने वाला कर्व में जाकर आप लोग को मिलेगा फ्लैट। ठीक है ना गाइस, लिप शेडो एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कर्व।
तो आपका फोटो में जो भी अच्छा लगेगा इन तीनों में वही इस कलर है, ठीक है गाइस। तो इस फोटो में मैं यूज़ कर रहा हूँ लिप शेडो, तो लिप शेडो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस, इसलिए मैं लिप शेडो यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर करते हैं डन, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट है, ठीक है गाइस, इस फोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट है, ठीक है गाइस। तो इसको कम करने के लिए आपको इस वाला आइकन पर जाके आपको जो है फोटो के अंदर कंट्रास्ट को डिक्रीज कर देना, ठीक है गाइस। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस पिक्सआर्ट में इस तरह का फोटो था, और जो है लाइटरूम में रिटचिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग को मेरा जो फोटो है आपको फोटो एडिटिंग पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है गाइस। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, तब कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले।